नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और शाम को आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा भिंडी ग्रेवी वाली, जो ग्रेवी वाली भरवा भिंडी होती है ना, वो बनाने जा रही हूँ। वैसे मैंने पहले कभी नहीं बनाई, भरवा भिंडी तो बनाई है लेकिन ग्रेवी वाली भिंडी कभी नहीं बनाई। फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे बन के तैयार होती है और साथ के साथ आपको भी दिखाते रहूँगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो वीडियो शुरू से लेके शाम तक, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात को ना, जैसे मैंने बताया था उस चीज़ का कि हमारे घर में जैसे कोई कुछ डाल के जा रहा है तो हम देने वाले हैं पहरा सब मिलके। और आज तो पूरी रात जागने का इरादा है, मतलब जो भी इंसान है चाहे जानवर है जो भी, आज उसे पकड़ के छोड़ेंगे हम। और पूरी रात जागना है क्योंकि कल मेरी छुट्टी है, कल है ईद, तो इसलिए आज पूरी रात जाग के, मतलब किसी ना किसी तरीके से, तो आज कहते हैं ना मामले के तह तक पहुँचना है कि चक्कर क्या है आखिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ मसाला भिंडी, मतलब ग्रेवी वाली भिंडी कैसे बनती है उसकी। तो ये देखिए, राधे पास ला कैमरा, ये भिंडी को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया। कैमरा इधर ला रहा था, यहाँ धो के साफ कर लिया है। और ये भिंडी को मैंने ऐसे बीचों बीच में एक लगा लिया है कट। और यहाँ पे ये मसाला बना लिया मैंने, इसमें लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी और 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया ले लिया है। और ये भिंडी है, आधा किलो भिंडी है। और इसमें मैं फिर इसको मतलब फिल कर रही हूँ अंदर, पूरा मसाला जो है वो भर रही हूँ। फिर अभी चलो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे इस तरीके का मसाला हम भरवा भिंडी में बनाते हैं और ग्रेवी वाली भिंडी भी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले इस तरीके से पूरा ये मसाला मैं भर लेती हूँ भिंडी के अंदर, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी भिंडी के अंदर मसाला भर दिया है और साथ के साथ मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल के गरम भी कर लिया है। और ये कढ़ाई है मेरी नॉन स्टिक की, जिसका आधा स्टिक नॉन स्टिक उतर चुका है तो इसलिए काली लग रही है। और यहाँ पे तेल हो चुका है गरम, तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा कड़छी में लेके भिंडी डालूँगी क्योंकि छींटे उड़ सकते हैं ना। सरसों का तेल तो वैसे भी अगर गर्म हो जाए तो ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। तो फिर मैंने पहले थोड़ी सी भिंडी डाली, उसके बाद सारी भिंडी यहाँ पे पलट दी है। और इसको हम अब फ्राई कर लेंगे, मतलब जब भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी ना, या हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक इसे फ्राई करनी है। फिर उसके बाद जैसे हम ग्रेवी बनाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते, इसे सिर्फ ग्रेवी पक जाएगी, थोड़ी देर पकाएंगे उसके बाद 5 मिनटों के लिए। तो अभी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई यहाँ पर। तो इतने हमारी भिंडी होती है फ्राई। हम मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 प्याज और 4 ही टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे, और लहसुन लिया है साथ के साथ। तो इन सबको छील के काट के मैं एक ही मिक्सी में इसका पेस्ट बना लूँगी, अलग अलग नहीं बनाऊँगी। क्योंकि अगर ग्रेवी वाली कोई सब्जी बनाती हूँ ना मैं, तो प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ एक साथ ही काट के उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया ख़त्म हो गया था, तो साबुत सूखा धनिया रखा था मैंने यहाँ पे, उसको पहले पीस लिया था, मिक्सी में से वो निकाल लिया है। तो पहले मैं यहाँ पे छील लेती हूँ लहसुन। लहसुन ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि लहसुन गर्म होता है, मतलब 6 से 7 कलियाँ लहसुन की डालूँगी। जैसे कोई कोई होता ना पूरा गड्ढा लहसुन का डाल देता है, तो वो नहीं डालूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे प्याज और टमाटर को मैंने कर लिया है कट, 2 टमाटर रह गए हैं, पहले इनको आधा पीस के फिर इसके अंदर कट कर लूँगी मैं। तो ये देखिए, सारे प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने यहाँ पे। और अब हम देखते हैं अपनी भिंडी कितनी फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए, हमारी भिंडी जो है इतनी फ्राई हो चुकी है, मतलब सॉफ्ट भी हो गई हैं और हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। इन्हें इसे 2 मिनट तक, सिर्फ 2 मिनट तक और पकने देंगे हम, ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, 2 मिनट बाद हमारी भिंडी इस तरीके से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अलग से।
और हमारा जो ये ऑयल बचा हुआ है ना, इसी के अंदर हमने जो मसाला बनाया है उसे ऐड कर देना है। तो ये भिंडी मैंने प्लेट में निकाल ली अलग से, जो हमारे टमाटर की प्योरी है वो इसके अंदर डाल दी है मैंने। तो अब हम इस मसाले को अच्छे से फ्राई, मतलब कि वो कर लेंगे, जैसे हमारा मसाला बनता है ना, पकना है, पकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने भिंडी में मसाला डाला था ना, वो बच गया था, तो वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हल्दी और मिर्च सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बीच में डाल दिया था, और जो हमारा मसाला है ये देखिए, साथ किनारों से ऑयल छोड़ दिया है और मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर ऐड करते हैं दही। यहाँ पे दही मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास लक्की रखी हुई है लस्सी, जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वैसे अगर दही होती है तो दही डाल के उसमें, मतलब फिर हम पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए, तो अब लस्सी में ही पानी डला हुआ है तो और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वो ही डाल देती हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से जितनी ग्रेवी चाहिए ना, जितनी थिक या कहते हैं ना गाढ़ी या पतली ग्रेवी चाहिए, उस तरीके उसके अकॉर्डिंग हम इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अभी ये मतलब और पकेगा तो ये सूखेगा इसका पानी, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इतनी अब मैं इसे थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा था तो वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसको ढक के रख लेती हूँ पकने के लिए अच्छे से। तो 5 मिनट बाद ये देखिए, हमारी ग्रेवी भी बन के हो चुकी है तैयार। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर ऑयल आया हुआ है, तो इसका मतलब जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी पक के हो चुकी है तैयार। इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने दिया था मैंने, फिर उसके अंदर मैंने जो फ्राई की हुई हमारी भिंडी है वो ऐड कर दी है। तो ये भिंडी ऐड करके हमें 5 मिनट तक और इसे पकने देना है अच्छे से, क्योंकि जो भिंडी है वो भी अपने जो ये ग्रेवी है अच्छे से सोख लेगी। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद हमारी भिंडी बनके हो चुकी है तैयार, ये देखिए इस तरीके से। और ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, मैंने चखी हैं। तो अगर आप इस तरीके से ग्रेवी वाली भिंडी बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, पहली बार बनाई, और पहली बार में ही इतनी स्वादिष्ट भिंडी बनी है। ये वाली भिंडी मैंने शादी में खाई थी, तब से सोचा था कि बनाऊंगी, आज बना भी ली। और अगर आप भी बनाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आप भी ऐसे ही पहली बार अच्छे से बना के इसे तैयार कर लेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनके होती है तैयार, इसमें लेस वगैरह कुछ नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।